الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدقت يا رب العالمين.
दुरूदे पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान तो उसने हमें माह शाबान भी अता फरमाया और माह रमज़ान भी इंशाअल्लाह हमें ज़रूर इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें बख़ैर और आफियत सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान के उसने हमें इस प्यारी सी मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद इब्ने आदम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक अता फरमाई है। कुरान मजीद की तिलावत से अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक का आगाज़ हो चुका है और ये महफिल पाक जैसा कि मैंने ऐलान किया था इंशाअल्लाह अजान इशा तक इसका सिलसिला जारी और सारी रहेगा और इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद दावत इस्लामी की मरकज़ी शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमहुल बारी इंशाअल्लाह सुन्नत भरा बयान भी फरमाएंगे और आखिर में लंगर का भी एहतमाम है। तो आप तमाम हजरात अव्वल ताखिर बैठने की नियत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको महफिल की बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद आमिर भाई भी हमारे इस मुल्क के मशहूर और मारूफ सनाख्वा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है तो कामरान भाई ने इशार किया कि पहले आमिर भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके इशार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं मोहम्मद आमिर भाई से मुल्तमिस हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें जनाब मोहम्मद आमिर कादरी साहब। सहर का वक्त था और प्यारी कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कितने सदाई अब्दुल्लाह के घर से फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, मुबारक हो शहे गर्दो सरा तशरी शरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिही रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह इमाम अल-मुरसलीन इमाम अल-मुरसलीन दुरूदुन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही गम खारे आलम है वही गम खारे उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है, शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफातुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफातुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक्तहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह
शाहे अजुम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हो। अर्ज की जिब्रील ने शाह दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम, ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिली। या रबी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ाम सीदना, या रबी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ाम सीदना, वग़फ़िर लना मामा दुआया वसी अल करमी मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रोट जाए कुछ नहीं परवाह, आका ज़माना छूट जाए रोट जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, कब्रों से हश्र मेरे इसे यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल जाने जाए।
हश्र में भी इनका नारा या रसूल अल्लाह के होगा, हश्र में भी इनका नारा या रसूल अल्लाह। कलाम तवील है, मैं अपनी हाज़िरी का आखिरी शेर इसके बाद हमारे कामरान भाई हुजूर की बारगाह में अपनी किताब पेश करेंगे। इस शेर में मेरी दुआ है कि आप सब इस दुआ में शामिल हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में हम मौजूद हैं और मिल के दुआ ये करते हैं कि दिखा दो अपना चेहरा ज़माना।